नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर कॉन्वेंट की तरह सरकारी स्कूल में हो रही पढ़ाई। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 में कॉन्वेंट की तरह सरकारी स्कूल में भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय चासा बघोरा, जो कि 96 क्षेत्र का बहुत ही शिक्षा के मामले में अग्रणी विद्यालय है, यहाँ के प्रधानाचार्य विजय बहादुर यादव अपने पूरे स्टाफ के साथ बड़े ही लगन पूर्वक शिक्षण कार्य करते हैं। सरकारी विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा चर्चा का विषय बना हुआ है। जूनियर हाई स्कूल जासा बघोरा किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से कम नहीं है। नाइट्रोजन का जो मामला आया गांव में, सुना होगा गेहूं में लोग यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग चने और मटर के खेत में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। देखे हो इस बात को, घर में पूछना भी, इसको जाकर के जानकारी भी लेना, उसके खेत में इसका प्रयोग नहीं। क्यों? यही बात आ गई कि जिसको हम लोग सहजीवी पौधा कह रहे हैं, कौन सा पौधा कह रहे हैं? यहाँ के शिक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह बड़े ही सरल, सहज, लगन पूर्वक बच्चों को शिक्षा देने में लगे रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बच्चे विकास खंड स्तर पर प्रथम आ चुके हैं। खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा जी का कहना है कि हमारे विकास खंड के सभी अध्यापक मेहनत तो करते ही हैं, पर UPS जागा बघोरा के शिक्षक लगन पूर्वक मेहनत करते हैं। सर, यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघोरा। सर, जैसा कि सुनने में आया है कि अभी विकास खंड 96 में एक रैली हुई थी जिसमें खेलकूद का आयोजन किया गया था, उसमें आपके यहाँ के बच्चों ने प्रथम स्थान लाया था, तो कैसे बदलाव लाए आप? जी बिल्कुल, अभी जो है 2 दिन पहले ही ब्लॉक स्तरीय रैली हुई है जनपद मिर्जापुर की, ब्लॉक 96 की, और हम लोग निरंतर 4 वर्ष से हमारा पूरा विद्यालय परिवार मेहनत किया है, कड़ी मेहनत किया है। इस महामारी कोरोना काल में 1.5 साल से थोड़ा सा इंटर गैप हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कतें आई थी सामने, और इस विद्यालय के विकास में अभिभावकों के साथ साथ यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री संतोष सिंह जी और यहाँ के स्टाफ इंचार्ज प्रधान अध्यापक श्री विजय बहादुर यादव जी, सहायक अध्यापिका हमारी बहन श्रीमती मंजुला मौर्या, निदेशक शिव नारायण जी और मनोज यादव, और साथ ही साथ हम लोगों के साथ हमेशा काम करने वाले राकेश जी अनुचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है बड़ी मशक्क़त की है 4 सालों में हम लोगों ने मिल करके, और ये जो चैम्पियन बना है ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोगों की नियुक्ति इसीलिए हुई है कि हम लोग अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वहन करें, और निर्वहन के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं, सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्य करते हैं, और परिणाम तो स्वतः, अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो परिणाम आने के लिए आपको बाध्य नहीं होना पड़ेगा कि नकारात्मक परिणाम आएगा उसका, और मैं इसी आशा विश्वास के साथ जो है निरंतर हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। बच्चों के इतना टैलेंट आप कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या सर बच्चों के प्रति? उद्देश्य सर कुछ नहीं है, उद्देश्य तो हमारी नियुक्ति, जब हमने नियुक्त हुए हैं हम यहाँ शिक्षक के रूप में, तो पहला उद्देश्य तो वही है कि हमको बच्चों को टैलेंट देना ही है। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो प्रतिभा है, पूर्ण रूप से उनके अंदर जानी चाहिए, और हम उस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं, और आप लोगों के द्वारा जो समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाता है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप सभी को। जी।